एक ओर जहां गाजा में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच खतरनाक जंग पिछले 10 महीनों से जारी है, जिसके भविष्य को लेकर अभी भी सवाल या निशान लगा हुआ है। वहीं जंग के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस युद्ध के बाद नेतन्याहू की पहली अमेरिकी यात्रा है, जो कई मायनों में खास मानी जा रही है। तो वहीं ईरान समेत कई देशों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। नेतन्याहू पहले ऐसे विदेशी नेता बन गए हैं जिन्होंने अमेरिकी सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स की संयुक्त बैठक को रिकॉर्ड चौथी बार संबोधित किया है। पीएम नेतन्याहू जब अमेरिकी संसद पहुंचे तो उन्हें 2 मिनट 16 सेकंड का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इस दौरान कुछ सांसदों ने हूटिंग भी की। वहीं टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी बतौर गेस्ट संसद में मौजूद रहे। नेतन्याहू ने करीब 52 मिनट का भाषण दिया, जहां पर नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। ईरान के खिलाफ मुकाबला करने के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने का प्रस्ताव भी रख दिया। नेतन्याहू ने इसे अब्राहम गठबंधन नाम देते हुए कहा कि ईरान का प्रभाव कम करने की सख्त से सख्त जरूरत है। इजराइल, अमेरिका और अरब दुनिया ईरान की आतंकी धुरी से खतरे में है। असल में सभी आतंकवाद, सभी उथल पुथल, अराजकता और सभी हत्याओं के पीछे ईरान है। इस पर अब ईरान की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने युद्ध के बीच इजरायली पीएम का स्वागत करने के लिए अमेरिकी सरकार और कांग्रेस की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि तेल अविव कसाई की ओर से हर दिन फिलिस्तीनी बच्चों का कत्लेआम किया जाता है और इन सभी अपराधों के सामने अमेरिकी सरकार और कांग्रेस इस जल्लाद का तालियों से स्वागत कर रही है। नकली शासन के आपराधिक प्रधानमंत्री को 9 महीने के नरसंहार और शिशु हत्या के बाद उनके समर्थकों ने गले लगा लिया है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव पिछले कई महीनों से चरम पर है। इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी गुट हमलावर हैं, तो वहीं इजरायली बलों को गाजा में हमास लड़ाकों से भी लोहा लेना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि गाजा में इजरायली सेना के पांव उखड़ने शुरू हो गए हैं। इजरायली बल वापस उन इलाकों में युद्ध लड़ने को मजबूर है जहां पर पहले IDF ने फतह का दावा ठोका था। भीषण युद्ध के चलते गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है। गाजा युद्ध के दौरान ईरान और इजराइल भी आमने सामने हो चुके हैं। सीरिया में कथित तौर पर इजराइल ने ईरानी दूतावास पर हमला किया था, जिसमें ईरान की कुछ फोर्स के 2 टॉप कमांडर और 6 अन्य अधिकारियों की मौत हुई थी। इस हमले से बौखलाए ईरान ने भी इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलों और खतरनाक ड्रोन से हमला कर दुनिया को एक और युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। हालांकि ईरान और इजराइल का ये वार पलटवार हिंसक युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, मगर इस वार पलटवार ने दुनिया की सांसें कुछ समय के लिए जरूर अटका दी थी। बहरहाल इजराइल हमेशा अपने कट्टर दुश्मन ईरान पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाता रहा है, साथ ही मिडिल ईस्ट की आग को भड़काने में भी ईरान को दोषी ठहराता रहा है।